हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन लिखना सिखाएंगे। मित्र को बधाई पत्र। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र। बच्चों, सबसे पहले आप जहां पर पत्र भेज रहे हो वहां का आपको पता लिखना है। पता का मतलब होता है एड्रेस। सबसे पहले आपको यहाँ एड्रेस आपको लिखना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 15 बाई बी इंदिरा चौक गाजियाबाद। और उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है। दिनांक का मतलब क्या होता है बच्चों? डेट। यहाँ आप दिनांक लिख दीजिए। आज का डेट हम लिख रहे हैं यहाँ 2/10/2021। आप जिस दिन पत्र लिख रहे होंगे उसी दिन का दिनांक आप दे दीजिएगा। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है और यहाँ आपको लिखना है अपना मित्र का नाम, प्रिया। अगर आप सहेली को पत्र लिख रहे हो तो अपना सहेली का नाम लिखिएगा। अगर आप अपने दोस्त का नाम लिखना चाहते हो तो आप अपना दोस्त का नाम लिखिएगा। हम यहाँ अपना सहेली का नाम लिख रहे हैं प्रिया सुनैना। सप्रेम, प्रिया सुनैना सप्रेम, सप्रेम नमस्ते। सप्रेम नमस्ते। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने तुमने वार्षिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्राप्त किया है तुम्हें स्कूल की ओर से तुम्हें स्कूल की ओर से विशेष पुरस्कार से विशेष पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित किए जाने के
किए जाने के समाचार से किए जाने के समाचार से समाचार से या खुशी या खुशी दुगनी हो गई है दुगनी हो गई है। फिर आपको बच्चों फिर यहाँ से लिखना है तुमने इस परीक्षा के लिए रात रात भर पढ़कर कठिन परिश्रम किया था और उसी का सुखद परिणाम है। परिणाम है इससे तुम्हारे माता पिता को भी असीम संतोष का अनुभव हुआ होगा। उन्हें तुम पर बहुत गर्व हुआ होगा। फिर यहाँ से लिखिएगा मैं तुम्हें इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ।
हूँ, देती हूँ कि, देती हूँ और, देती हूँ और प्रभु से कामना करती हूँ, प्रभु से कामना करती हूँ, कामना करती हूँ कि वह तुम्हें इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियों पर सफलता की सीढ़ियों चढ़ाता चला जाए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखिएगा, एक बार पुनः बधाई, फिर नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखिएगा, तुम्हारी अभिन्न सखी। अगर बच्चों आप कोई लड़की है लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा तुम्हारी अभिन्न सखी, और अगर आप लड़का हो तो आपको लिखना है तुम्हारा अभिन्न मित्र, और आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, आप अपना यहाँ पर जो नाम है वो नाम, अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा। तो चलिए और एक बार हम आपको ये पत्र पढ़कर सुनाते हैं। सबसे पहले बच्चों आप जहाँ पर पत्र को भेज रहे हो वहाँ का आपको पता लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर अपना मित्र का नाम। अगर आप लड़की हैं तो आप सहेली का नाम लिखिएगा, अगर आप लड़का हैं तो आप अपने मित्र का नाम यहाँ लिखिएगा। हम यहाँ लिखे हैं, प्रिया सुनैना, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तुम्हें स्कूल की ओर से विशेष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के समाचार से यह खुशी दुगनी हो गई है। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा नीचे से, तुमने इस परीक्षा के लिए रात रात भर पढ़कर कठिन परिश्रम किया था, और ये उसी का सुखद परिणाम है। इससे तुम्हारे माता पिता को भी असीम संतोष का अनुभव हुआ होगा, उन्हें तुम पर बहुत गर्व हुआ होगा। फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, मैं तुम्हें इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ,
और प्रभु से कामना करती हूँ कि वह तुम्हें इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाता चला जाए। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, एक बार पुनः बधाई, तुम्हारी अभिन्न सखी। और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये पत्र लेखन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये पत्र आपको कैसा लगा। और अभी तक बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा कोई भी, अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच।